हेलो गाइस कैसे हो सब ठीक हो जय हिंद कहने का मतलब है कि आज बाबू हम ब्रह्मांड से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं ठीक है बेसिक से ब्रह्मांड लूसेंट जी के जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन किया है और करता है ठीक है वही नहीं देखिए हम आपको बात बताते हैं हम आपको बाबू बात बताते हैं एक आप सब केवल गौर से सुनिएगा देखिए ये यू ये क्या है यू है ठीक है ये क्या है बाबू बी ठीक है यू पी एस एस सी ठीक है और ये क्या है यू पी ट्रिपल एस सी पेट ये सभी एग्जामों में क्वेश्चन करता है और इससे प्रश्न आता है ठीक है आप सब केवल मन से पढ़िए मेरा क्वेश्चन को आप सब नोट्स बनाइए और पीडीएफ डी एफ कहिएगा तो पीडीएफ भी आपको दे देंगे लेकिन हाँ आप सब पढ़िएगा तो वही क्वेश्चन आएगा ठीक है मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन आप सब एग्जाम में जाइएगा बैठिएगा अगर क्वेश्चन लड़ेगा तो कहिएगा कि हाँ सर वो सच में कहा था कि ये क्वेश्चन आएगा ठीक है आप सब लेकिन हम पढ़ना ठीक है आप सब पढ़ते रहना ओके चलते हैं पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन मेरा क्या है देखिएगा ये पहला क्वेश्चन मेरा क्या है देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि ब्रह्मांड से संबंधित है ठीक है यूनिवर्स जी के क्वेश्चन एंड आंसर ठीक है सी ऑफ ट्रैवलिटी ट्रेविलिटी कहाँ पर है तो चंद्रमा पर है सी ऑफ ट्रैवलिटी कहाँ पर है तो चंद्रमा पर है ठीक है दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है वो क्या है दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं तो बुध और शुक्र ठीक है दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है तो वो क्या है तो बुध और शुक्र है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है अंतरिक्ष अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है तो नवासी एक कम नब्बे ये बाबू आपको एस एस सी सी एच एस एल सी एच एस एल सी एच एस एल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ठीक है क्या है तो क्वेश्चन पूछा हुआ है सी एच एस एल में ठीक है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ठीक है आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों भी करेंगे ठीक है आप सब निश्चिंत रहिए ठीक है ठीके? कोई दिक्कत नहीं अब तक खोजे गए ग्रहों के सबसे छोटा ग्रह कौन सा है अब तक खोजे गए ग्रहों के सबसे छोटा ग्रह कौन सा है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो बुध ग्रह है कौन है तो बुध ग्रह है ठीक है अब तक खोजे जा चुके खोजे गए ग्रहों के सबसे छोटा ग्रह बुध खोजे जा चुके तारा मंडल में सबसे बड़े मंडल का नाम क्या है हाइड्रा ठीक है खोजे गए छोटा ग्रह कौन सा तो है तो बुध है और खोजे जा चुके हैं खोजे जा चुके हैं लेकिन तारामंडल में सबसे बड़ा तारामंडल का नाम क्या है तो हाइड्रा है, है क्या है ये बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में प्रश्न आता है इससे आप सब इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना ओके अलग अलग ऋतुओं में दिन समय रात्रि समय विस्तार में विभिन्नताएँ किस कारण से होती है पृथ्वी पर नत अक्ष पर अक्ष पर परिक्रमा अक्ष पर परिक्रमा ठीक है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो इस वीडियो के अंत तक बने रहना ठीक है इस वीडियो के अंत तक बने रहना मेरे चैनल का नाम है बाबू दृष्टि आई ए एस टू फोर्टी सेवन ठीक है दृष्टि आई ए एस तथास्तु टू फोर्टी सेवन, सेवन की चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है इस प्रकार की वीडियो और आपको देखने को मिलेगा कोई दिक्कत तो नहीं है ना चलिए ठीक है दिक्कत नहीं तो है तो ठीक है देखिए पहला क्वेश्चन आकार के आधार पर ग्रहों के अवरोही क्रम क्या है आकार आकार के आधार पर ठीक है आकार के आधार पर ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है तो ग्रह तो आठ होता है ये तो मालूम है ना पहला बृहस्पति दूसरा शनि तीसरा अरुण चौथा वरुण पांचवा पृथ्वी छवा शुक्र सतवा मंगल आठवा बुध यह अवरोही क्रम में सजा है और अवरोही क्रम में सजाया जाएगा इसका भी कुछ और होगा लेकिन आठ ग्रह होता है अब सब कंप्लीट हम एक वीडियो डाले हैं सौरमंडल पर ठीक है सौरमंडल किसे कहते हैं उसमें कितने ग्रह होती है टोटल बताएं हम जाकर अगला वीडियो देख लीजिएगा ठीक है और इसमें भी रिपीट हो चुका है ठीक है उत्तरी धुरो की खोज किसने किया था बाबू इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उत्तरी धूर्य उत्तरी धुरो की खोज किसने किया था तो रॉबर्ट पियरी ने किसने किया था तो रॉबर्ट

परिभ्रमण करने के लिए पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने के लिए होता है ठीक है बाबू फिफ्टी क्वेश्चन पचास क्वेश्चन लेकर आए हैं आपको वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में प्रश्न करता है ऋतुएं किस कारण बनती है ऋतुएं किस कारण बनती है तो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण से पृथ्वी के परिक्रमण से सूर्य के चारों ओर ठीक है एक ग्रह को अपने कक्ष के एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य के अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है सूर्य के अधिकतम दूरी को क्या तो कहा जाता है अपसौर कहा जाता है क्या कहा जाता है तो अपसौर ओके तेरहवा क्वेश्चन तेरावा क्वेश्चन देखिएगा एक ग्रह जिसे नौ ग्रहों की गिनती से निकाल दिया जाता है एक ग्रह जिसे नौ ग्रहों की गिनती से निकाल दिया जाता है उस ग्रह का नाम क्या है प्लूटो इस ग्रह के बौने ग्रह के नाम से भी जाना जाता है प्लूटो ग्रह है ना बाबू तो प्लूटो ग्रह को क्या कहते हैं दूसरा नाम क्या है तो बौने ग्रह हर व्यक्ति के हर इंसान के हर आदमी के एक ना एक दो नाम ही होता है ठीक है किसी ने कह भी दिया तो मेरा एक ही नाम है नहीं विश्वास मत करना किसी का किसी कहीं एक से अधिक नाम होता है दो नाम होते है तीन नाम होते है चार भी नाम होता है ठीक है लेकिन एक आदमी के एक नाम से अधिक नाम होता है उसी प्रकार प्लूटो का दूसरा नाम क्या है और किस ग्रह के नाम से जाना जाता है तो बौने ग्रह के नाम से जाना जाता है समझ गए एक स्थान पर आने वाले अगले जवार में कितने विलंब होता है अगले जवार में कितना विलम्ब लगता है विलम्ब का मतलब समय कितने विलम्ब होता है कितना समय लगता है तो छब्बीस मिनट ठीक है छब्बीस मिनट समय लगता है कर्क रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है कर्क रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है तो दक्षिण में हंड्रेड परसेंट लिख लो ये बार बार एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है अगर नहीं पूछा तो जो न सो हर एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि कर्क रेखा कर्क रेखा किस महाद्वीप में नहीं गुजरती है तो दक्षिण अमेरिका में ठीक है काहिरा का समय ग्रीनविच से दो घंटे लग आगे हैं दो घंटे क्या है आगे हैं अतः स्थित है तीस डिग्री पूर्वी दिशातर पर ठीक है ओके समझ गए किन दो ग्रहों के घोड़ा तथा परिक्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्वी नहीं है शुक्र तथा तो ओके किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट बल है शनि है ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं शनि है ठीक है आप तक समझ गए कोई दिक्कत तो नहीं है ना किस ग्रह को पृथ्वी के बहन कहा जाता है शुक्र ये हंड्रेड परसेंट की आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है किस ग्रह को पृथ्वी के बहन कहा जाता है तो शुक्र पृथ्वी का बहन कौन है तो शुक्र ग्रह है ठीक है शुक्र है पृथ्वी के ग्रह कौन सी पृथ्वी को बन कौन है तो शुक्र है ओके कोई दिक्कत तो नहीं नहीं किस ग्रह को सुंदर का देवता कहा जाता है शुक्र किस ग्रह को सुंदर का देवता कहा जाता है तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है कौन तो शुक्र ओके किस तिथि को उत्तरी गोलाट में सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलाट में सबसे छोटा दिन होता है किस तारीख को तो बाईस दिसंबर को होता है उत्तरी गोलाट में क्या होता है तो बाईस दिसंबर को उत्तरी गोलाट में छोटा दिन होता है किसने माना था कि किसने माना था कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है किसने माना था कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है तो टोलेमी टोलेमी ने किस ठीक है किसने माना था कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है किसने माना था कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है टोलेमी ने किस ठीक है किस विद्वान ने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है किस विद्वान ने कहा कि पहली बार कहा है कि पृथ्वी गोल है और ठीक है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो आ, इस वीडियो के अंत तक बने रहना हंड्रेड परसेंट लिख लो कि यह भी क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है पूछ चुका है भी एस है क्वेश्चन और आगे भी पूछेगा ठीक है चौबीस क्वेश्चन चौबीस क्वेश्चन आप सबके सामने चौबीस क्वेश्चन क्या है दिखेगा किसके बीच की औसत दूरी को खगोली एकक कहा जाता है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ठीक है ये भी आई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है औसत दूरी को खोगोली एकक कहा जाता है पृथ्वी और सूर्य ठीक है किसने किसने सूर्य प्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है किसने प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है लेकिन पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है तो कॉपर कौन है तो कॉपर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो इस वीडियो को अंत तक बने रहना बाबू आप सबको समझा समझा कर बता रहे हैं हम ठीक है किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही है अगर समस्या आएगा अगर समझ में नहीं आएगा तो आप सब कमेंट करना ओके कोई दिक्कत नहीं समझ गए ना समझ गया ठीक है कृष्ण छिद्र सिद्धांत किसके प्रतिपादक थे कृष्ण छिद्र सिद्धांत किसके प्रतिपादक थे ठीक है किसके प्रतिपादक थे तो आपको एस चंद्रशेखर जी ने कौन एस चंद्रशेखर जी ने कौन है एस एस चंद्रशेखर जी हैं ओके कौन सा खोगलीय पिंड रात की रानी कहलाता है रात की रानी कोई भी रानी किसी मतलब कोई भी रानी बोल देता है ना उसी प्रकार इसका भी है कि रात की रानी खोगली पिंड है रात की रानी कौन है तो चंद्रमा ठीक है कोई भी आदमी बोलता है ना कि ये रानी है तो वो रानी है ये मेरी रानी है उसी प्रकार से भी बोल रहा है कोई भी मतलब जिसकी शादी हो जाती है तो बोलती है ना कि ये मेरी रानी है तो उसी प्रकार ये भी कह रहा है कि रात की रानी कौन कहलाता है तो चंद्रमा ये चंद्रमा मेरी रानी है ठीक है समझ गए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है बाबू अच्छी तरह से समझना एक एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहे हैं ठीक है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब करो इस वीडियो के अंत तक बने रहना ठीक है कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों के सर्वाधिक दूरी पर स्थित है नेपच्यून नेपच्यून बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बाबू यार आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अंतक बने रहना यह बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछता रहता है ओके कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है बुध ओके अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के अंत तक बने रहना कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करता है लेकिन वो कितने दिन लगता है वो भी गिनती किया है एटी तो एट यानी अठासी दिन लगता है तो अठासी दिन में कौन है तो बुध है ठीक है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो का अंत बने रहा ठीक है ये बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछ चुका है और पूछेगा फिर बी एस सी क्वेश्चन कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है तो वरुण हरे प्रकाश हरे प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं तो वरुण है ठीक है कौन सा तारा सर्वाधिक समीप है तो सूर्य है? सूर्य है कौन है तो सूर्य है? अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो का अंत तक बने रहना कौन सा सुबह का तारा कहा जाता है कौन सा सुबह का तारा तो शुक्र शुक्र कभी कहा जाता है सुबह का तारा कहा जाता है ठीक है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के अंत तक बने रहना ओके कौन से ग्रह में सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है शनि है ठीक है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के अंत तक बने रहना ओके क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाया जाता है क्षुद्र ग्रह क्षुद ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाया जाता है तो मंगल और बृहस्पति ग्रह ठीक है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के अंत तक बने रहना है मेरा चैनल का नाम है दृष्टि फोर्टी सेवन ठीक है डेली जीके जी डेली करंट अफेयर्स एंड मैथ रीजनिंग ये भी क्वेश्चन चलता है लेकिन सबसे ज़्यादा डेली जी के जैसे डेली करेंट अफेयर्स चलती है ठीक है सभी प्रतियोगिता परीक्षा यू पी एस सी बी पी एस सी जे पी एस सी यू पी ट्रिपल ए सी पैट यू पी यू पी पी एस सी और एस 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 जे डी एस एस एम टी एस 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 सी एच एस एल एस 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 सी जल एस 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 सी पी ए स्टेन्योग्राफर ठीक है एस 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 जे डी ऑल एग्जाम में यश्न पूछता रहता है चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है पूर्णिमा चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है तो पूर्णिमा को होती है ठीक है चंद्र ग्रहण होता है लेकिन टॉप चंद्र ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है ये वीवीआई क्वेश्चन बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा पृथ्वी सेर क्वेश्चन है चंद्रमा का व्यास कितनी होती है चंद्रमा का व्यास तीन हज़ार चार सौ पचहत्तर किलोमीटर ठीक है यह भी वी आई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीन किलोमीटर चंद्रमा की पृथ्वी से कितनी दूरी है चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी है दो लाख बयासी हज़ार किलोमीटर है ठीक है चंद्रमा की पृथ्वी से कितनी दूरी है दो लाख बयासी हज़ार किलोमीटर ओके अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अंत तक बने रहना ठीक है हम हम जानते हैं कि आप लोग समझ गए हैं ओके समझ गए तो अच्छी बात है नहीं समझे तो कमेंट करना और अगला वीडियो किस पर आएगा यह भी कमेंट करना ओके चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत का नाम लिबनेटिज पर्वत कौन है तो लिबनेटिज लिबनेटिज पर्वत है ठीक है लिबनेटिज पर्वत चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर कितने समय में पूरा करता है चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर रह है लेकिन कितने समय में पूरा करता है तो सताईस दिन सात घंटा तैंतालीस मिनट यानी सताईस दिन सात घंटे तैंतालीस मिनट वो भी ठीक है ठीक है चंद्रमा से टकराने वाले प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है चंद्रमा से टकराने वाले प्रकाश प्रकाश ठीक है पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है कितना समय लगता है एक दशमलव तीन सेकेंड एक दशमलव तीन सेकेंड ओके चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में आ, लगने वाला समय दो सेकंड से कम समय लगता है दो सेकंड से कम समय ओके अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के अंत तक बने रहना ओके कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी तो मंगल अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो के अंत तक बने रहना सभी सभी प्रतियोगिता तो परीक्षा ये सभी एग्जामों में प्रश्न पूछ चुका है ठीक है क्या किया है तो पूछ चुका है ओके ये चंद्रयान पर बाबू आपको क्वेश्चन मैंने बना चुका है इसीलिए इसमें आपको मैंने अपना थाम्बल डाल दिया है क्वेश्चन डाल दिए है जो है ये देखिए आपको आपको ना क्या बोलते हैं देखो यूपीएससी मेंस यूपीएससी मेन्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ठीक है अभी चार पांच दिन हो गया तीन दिन हो गया तीन दिन हो गया यूपीएससी मेंस का एग्जाम चल रहा है उसमें प्रश्न पूछा है चंद्रयान तीन किसके द्वारा लॉन्च हुआ है चंद्रयान क्या है ठीक है चंद्रयान को लॉन्च करने में कितने समय लगा है चंद्रयान को लॉन्च करने में यानी सब बनाने वनाने में कितना रुपया का खर्च आया है ठीक है ठीके? और कितने बजे चंद्रयान यहाँ से मतलब गया है ठीक है सब यूपीएससी में आपको क्वेश्चन मिलेगा और पूछा हुआ है ठीक है बाबू हम बोले ना कि हम वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है और पूछेगा ठीक है मेरे बात को मेरे क्वेश्चन को हल्के में मत लेना ठीक है हम बहुत मेहनत करते हैं एक एक क्वेश्चन बहुत मेहनत करके कर निकालते हैं कि और वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है और वही प्रश्न भी पूछेगा ठीक है लगभग रहता है मेरा ठीक है और देखिए इसमें भी हम स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं कि चंद्रयान तीन भारत का कौन सा मिशन है ठीक है चंद्रयान तीन भारत का कौन सा मिशन है तो तीसरा चंद्र मिशन है जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर तीसरा कोशिश किया गया है चंद्रयान तीन हम देखो इसमें हैं ना कि यू पी लिखे कि नहीं देखो यू में प्रश्न पूछ चुका है यू में हम बोले ना कि यू में मेन्स में प्रश्न पूछा हुआ है बोले हैं ना कि नहीं बोले हैं यू पी एस सी एस एस में बोले एस एस सी एग्जाम होने वाला है उसमें देखना पेट पेट का मतलब बोले हैं कि उत्तर प्रदेश के पेट यू पी ट्रिपलिसी पेट अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हम बोले हैं ना अरे यार मेरे बात को हल्के में मत लेना डेली करेंट अफेयर्स और चैनल सब्सक्राइब डेली करेंट अफेयर्स ठीक है हम वही क्वेश्चन बोलते हैं जो वी वी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ठीक है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को अंत में बने रहाना डायमंड रिंग डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन होती है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के सब्सक्राइब करके इस वीडियो के अंत तक बने रहना ओके दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन से होते हैं तो 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को दिया ठीक है दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या है तो भू परिभ्रमण पृथ्वी का घूर्णन दीर्घ ज्वार किन दिनों में आता है अमावस्या तो और पूर्णिमा के दिन होती है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के अंत तक बने रहना ठीक है हमने बोला था ना कि पचास क्वेश्चन लेकर आए हैं पचास क्वेश्चन देखिए इसमें दिख रहा है आपको दृढ़ संकलीय स्थलीय पट प्लेट कहलाती है पट प्लेट कहलाती है लेकिन यदि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो क्या प्रोग्राम होगा तो महासागरी प्लेट महाद्वीप प्लेट के नीचे घुस जाता है महासागरी प्लेट महाद्वीप प्लेट के क्या होता है नीचे देखिए जैसे महासागरी प्लेट है महाद्वीप प्लेट से टिकराती है तो क्या हो जाता है तो महासागरी प्लेट महाद्वीप प्लेट के महाद्वीप प्लेट के नीचे नीचे घुस जाता है ठीक है अब अब सब समझ गए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के अंत तक बने रहना देशांतर की दूरी एक घंटे के समय अंतराल के बाद होती है देशांतर की दूरी एक घंटे के समय अंतराल के बाद होती है तो पंद्रह डिग्री अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के अंत तक बने रहना ओके समझ गए बात को देखिए बाबू कहने का मतलब है कि देखिए ये वी क्वेश्चन ओ माय गॉड जैसांतर की दूरी एक घंटे के समय अंतराल के बाद होती है तो पंद्रह डिग्री ठीक है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के अंत तक बना रहा नहीं क्वेश्चन ये फिर भी इस क्वेश्चन है पूछ चुका है और आगे भी आने वाले समय में पूछेगा ठीक है आप सब मेरे क्वेश्चन को नोट्स बनाइए और नोट्स बनाकर पढ़ते रहिए वही क्वेश्चन लड़ेगा लेकिन हाँ आप सब वही क्वेश्चन पढ़िएगा तब ठीक है जियोग्राफी चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराया जाएगा ठीक है जियोग्राफी चैप्टर वाइज लूसेंट का जितना भी चैप्टर भारत का भूग विश्व का भूग कोई भी भूग जहाँ से आपको क्वेश्चन आगा चैप्टर वाइज आपको कराया जाएगा ठीक है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ठीक है वेलकम टू माय चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ठीक है लाइक करो शेयर करो कमेंट करो ठीक है लेकिन चैनल को बाबू सब्सक्राइब करो ठीक है मेरे चैनल का नाम है दृष्टि आई एस एस ठीक है यू देखो इसमें दे दिया ना यू पी यूपी ट्रिपल ए सी पेट यू आर्मी बिहार पुलिस यू पी एस सी ट्रिपल ए सी पेट यू पी आर्मी बिहार पुलिस बी एस एफ सी आर पी एफ एस एस सी जी डी एस एस एम टी एस 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 सी एच एस एल एस 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 सी जल एस 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 सी पी ओ एयरफोर्स स्टेट लेवल एग्जाम ठीक है ना अभी तक बाबू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ठीक है क्या करो तो चैनल को सब्सक्राइब करो इस वीडियो के अंत तक बने रहना ओके देखिए ये सब जितना क्वेश्चन कराएं उतना क्वेश्चन को आप सब पढ़ लिए पढ़ लीजिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना जय हिंद